और अभी ड्यूटी खत्म करके जा रहा हूँ घर वापस। रास्ते में हूँ और सीएनजी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो आवाज आपको आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, दिखाता हूँ अभी, तो वो आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तो ऐसी आवाज आती है। जब तक फिर पेट्रोल पे शिफ्ट नहीं करोगे तो ऐसी आवाज आती रहेगी। वैसे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है पेट्रोल पे, लेकिन अगर आप वैसे बटन से शिफ्ट नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही ये आवाज करती रहेगी। और टोटल ट्रिप कितना है वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसे करने लग जाती है जब बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अभी इसको कर देते हैं पेट्रोल पे शिफ्ट। देखो ये हो गई है पेट्रोल पे शिफ्ट, और टोटल ट्रिप जो हुआ है वो है 243। एवरेज दिखा रहा है 14.7। बिल्कुल लोकल में चली है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 243 अच्छी खासी चल गई है। क्योंकि जो सीएनजी आई थी ना वो ज्यादा आई थी। जब मैं उधर अपनी सिस्टर के घर से वापस आ रहा था तो मैंने सीएनजी रास्ते से डलवाई थी, ग्रोंडा से ही, आपको दिखाया भी था मैंने वीडियो में, तो 8.4 समथिंग के आसपास आई थी। तो इसलिए 243 चल गई लोकल में ही, वरना तो लोकल में जब चलती है तो 225 के आसपास चलती है, तो 15-20 किलोमीटर चले ज्यादा चल गई है। तो अभी डलवाते हैं सीएनजी रास्ते से ही। और सुबह जब ड्यूटी के लिए निकले तो थोड़ी थोड़ी धूप थी, धूप बहुत ज्यादा तेज नहीं थी पर लेकिन धूप थी और गर्मी थी सही वाली। उस टाइम तो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज कहीं से भी कोई बारिश का मौसम लगता है। फिर दोपहर के 1-2 बजे तक भी मौसम ठीक था। 2 बजे के आसपास मान लो कि थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हुआ और फिर एकदम से ही बारिश का मौसम शुरू हो गया। और 2:30 बजे के आसपास से फिर अब कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी। अच्छी बारिश हुई है, मतलब ये नहीं है कि हल्की फुल्की हुई है, और अच्छी खासी बारिश होके अब बारिश ऑलमोस्ट रुक गई है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल ना के बराबर सी है। तो ये भी सही है वैसे, जितना होना है अपना हुआ आके और रुक गई। ये तो कई बार क्या होता है बहुत थोड़ी 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 होती रहती है पूरा दिन। बादल तो वैसे अभी भी ऐसे ही है, कभी भी बारिश दोबारा से भी आ सकती है। अभी पहुंच गए हैं सीएनजी पंप पे, पानी देखो कितना भरा हुआ है, और 1-2 ही गाड़ी है क्योंकि बारिश आ रही थी तेज। तो इस टाइम तो इतनी बारिश में यूजुअली होती नहीं है गाड़ियाँ, और उधर की साइड ही है 1-2 गाड़ी भी, इधर की साइड तो एक ही है इसमें डल रही है, इसके बाद अपने में ही डलेगी। मशीन तो वैसे इस पे 2 हैं, एक ये है और एक आगे है, लेकिन जो ये पीछे वाली मशीन है इसमें बता रहे हैं कि लीकेज हो गई है, तो आगे वाली मशीन ही काम कर रही है, इसकी नोजल में कोई दिक्कत है। तो अभी ये जब गाड़ी हट जाएगी तो आगे ही लेके जानी पड़ेगी। और कैप्चर गाड़ी में सीएनजी लगवाई हुई है, देखो फर्स्ट टाइम देखी है मैंने तो वैसे कैप्चर गाड़ी में सीएनजी। और अभी ये वही भाई है, इनको तो आपने देखा होगा पहले वीडियो में, और एक दूसरा भाई वो उधर है, देखो वो दिख रहे बीच में से, ये आगे हैं। काफी दिन के बाद मिले हैं भाई, तो ये तो फिर भी पहले मिले हैं। और अभी देखते हैं सीएनजी कितनी आएगी, पूरा टैंक खाली हो गया है, लेकिन डिफरेंस तो है यार इधर में और ग्रोंडा में। ग्रोंडा मैंने जाते हुए डलवाई तो आई थी 8.7 कुछ, और आते हुए आई थी 8.4 कुछ, यहाँ कभी नहीं आई है इतनी। 2-3 बार टैंक खाली हुआ है, आज देखते हैं कितनी आएगी, टैंक खाली है अभी। और आज तो भाई यहाँ भी अच्छी खासी आ गई है, देखो 8.4 से भी 8.5 भी क्रॉस हो गया है, 8.52 आई है 440 रुपए की। तो आज तो बढ़िया आ गई यार, मौज कर दी भाइयों ने आज तो। सारे दोस्तों फ्रेंड हो भाई, ले भाई लाइक करते रहना, ले भाई भाई ने बोल दिया लाइक करते रहना और सब्सक्राइब कर दियो भाई। और अभी कर लेते हैं ट्रिप को जीरो पे सेट। 247 चल गई है, 4 किलोमीटर चली है पेट्रोल में, और इधर से इसको कर लेते हैं सीएनजी पे शिफ्ट। अभी जैसे ही मैं चलूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ये देखो ये मैंने हल्की सी चलाई है, देखो शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की सी आगे करी है। और अगली बार जब सीएनजी डलवाएंगे तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गई है। और अब तो मैं क्या करता हूँ, जैसे टंकी फुल करवा लेता हूँ, वैसे करता तो मैं पहले भी ऐसे ही था जब सीएनजी नहीं थी, तो सीधा टैंक फुल करवाता था, कम पेट्रोल मैंने शायद ही कभी डलवाया हो। और अब भी मैं ऐसे ही करता हूँ, टैंक फुल करवा लेता हूँ। तो अब की बार मैंने टैंक जो फुल करवाया था वो करवाया था 15 जून के आसपास, तो ये मान लो कि 3 महीने से भी एक आध दिन ऊपर ही हो गए हैं, और 2-3 दिन अभी तो लास्ट पॉइंट है, वैसे तो चल जाएगा 10-15 दिन तो और अगर मैं चलाऊं तो, लेकिन फिर मैं डलवा ही लेता हूँ लास्ट पॉइंट पे आते ही। तो
और पीछे वाला लाइट मार रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। और मैं जब भी इस पंप पे आता हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है इन भाइयों से मिलके। कई बार तो मैं दूसरे पंप पे डलवा लेता हूँ सीएनजी, आपको मैंने दिखाया भी है वीडियोस में कई बार, लेकिन जब भी इस पंप पे आता हूँ तो ये भाई मेरी गाड़ी देखते ही पहचान लेते हैं और मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार मिलके। वैसे बताओ हमारी कोई जान पहचान नहीं है, सिर्फ बस यही है कि ये मेरे को वीडियो देख के जानने लग गए। और अभी जैसे करनाल में बीच में 3 दिन नेट ऑफ चल रहा था ना, तो उस टाइम भी मैं एक बार आया था सीएनजी डलवाने के लिए, तो इस भाई ने अपने आप ही मेरे फ़ोन में वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया था। मैं पूछने लग गया था इससे कि ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं हो पाएगी क्योंकि नेट नहीं चल रहे, तो इस भाई ने खुद ही बोला कि लाओ मैं वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ, वाईफाई है यहाँ पे, फिर कर देना पेमेंट। तो मतलब यार कितना अच्छा लगता है देखो ये चीज़।